आप अपने विंडोज़ सिस्टम को इथरनेट के थ्रू अपने राउटर को कैसे कनेक्ट करेंगे। बॉटम पे आपका ये एक लैन कनेक्ट लैन टाइप का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मेरा नेटवर्क है, अभी ये मेरा कनेक्ट है। मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे कनेक्ट करना है। अब आपके यहाँ जब आप फर्स्ट टाइम से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे येलो साइन आइकन आएगा, उस पर आप यहाँ पे आप राइट क्लिक करना माउस से, और आपका सेकंड ऑप्शन आता है ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग। आप इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए इसमें आपका स्टेटस है, इथरनेट है, डेस्कटॉप है, वीपीएन है, डेटा सेटिंग है और प्रॉक्सी सर्वर है। ये आपका इंटरफेस, आपका हर बार जब भी आपका विंडो अपडेट होगा ये डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये नेटवर्क स्टेटस है, आप इसमें यहाँ देखिए चेंज योर नेटवर्क सेटिंग। आप इस पर फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, चेंज अडेप्टर ऑप्शन, इस पर डबल डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको पास आपका जो लैन केबल है उससे आपका जो पोर्ट कनेक्ट है वो आपका इथरनेट है, जो कि आपका अभी इंटरनेट मेरा वर्किंग है। तो मैं इस पर आपका डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद आपका इथरनेट स्टेटस ओपन होगा। आपको क्या करना है इसमें, सिंपल प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आपके देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4, इसमें आपको डबल क्लिक करना है। अभी मेरे पास क्या है, मैंने स्टेटिक IP फिल किया हुआ है। अगर आप राउटर से सीधा इथरनेट केबल से कनेक्ट कर रहे हैं तो आपको सिर्फ ऑप्टेन IP एड्रेस पर क्लिक करके, और आपको यहाँ पे ये तो आपका DNS ऑटोमेटिकली उठा लेगा वो, जब आप इस पर करेंगे तो ये आपका फिनिश हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक करके और सिर्फ ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे सेकेंड टाइम भी आपको ओके करना होगा, तो आपका इंटरनेट आपका सिस्टम में आपका वर्किंग हो जाएगा। देखिए इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद आपको शो करेगा सेंट पैकेट। देखिए आपको सेंट हो रहे हैं, देखिए आपके ये सेंड हो रहे हैं और आपको रिसीव्ड हो रहे हैं, आपको रिसीव्ड भी हो रहे हैं। इस मीन्स आपको राउटर से तो सेंड हो रहे हैं, अगर आपके सिस्टम पे रिसीव नहीं हो रहे हैं तो आपका क्या है, इंटरनेट वर्किंग नहीं है। अगर आपको सेंड भी हो रहे हैं और रिसीव्ड भी हो रहे हैं तो मीन्स आपका इंटरनेट वर्किंग है। ठीक है, तो ये था आपका विंडो 10 में कि आप विंडो 10 में अपने इथरनेट के थ्रू अपने राउटर को कैसे कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट सेक्शन में करके कमेंट करके बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं उसका आपका सॉल्यूशन करके दूंगा। और आपको मेरी न्यू वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को स्टडी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।